नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलवे में रोजगार की, क्योंकि रेलवे की जब बात आती है तो देश भर में एक बड़ी आबादी है जो रेलवे को उम्मीद भरी निगाहों से देखती है, और तमाम युवा हैं जो कहीं ना कहीं रेलवे में अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, और ऐसे तमाम युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। तो उन युवाओं से हम बात करेंगे, क्योंकि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। रेलवे बार बार कहता है कि कोरोना के चलते दिक्कत हो रही है और हम जल्द ही लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, या इस तरीके की तमाम चीजें चल रही हैं देश भर के अंदर। और इन सब के बीच जो युवा हैं वो क्या कहते हैं, हमारे युवा साथी तमाम लोग जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। आइए बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी समस्या क्या है। तो अलग अलग जगहों से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित जुड़े हुए हैं, अभिषेक सिंह जी जुड़े हुए हैं, संतु जी जुड़े हुए हैं, निकिता जी जुड़ी हुई हैं, आदेश जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ नीलाब, अभिषेक पांडे, संजू, दीपक, भवानी और प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो तमाम हमारे साथी हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कि सरकार कुछ कह रही है, रेलवे अलग अलग बयान जारी कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो उन्हीं से पूछते हैं कि क्या क्या चीजें चल रही, किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं। तो अंकित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित जी बताइए, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? नमस्कार सर, सबसे पहले न्यूज स्टेशन चैनल को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि हम अपनी बात को माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री वीके यादव सर जी तक पहुंचा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, हम सभी ALP टेक्नीशियन के स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं। हम सभी 21 बोर्ड के कैंडिडेट्स, स्टैंड बाई कैंडिडेट्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एक एक करके अपनी बात रखेंगे। सर ये ALP टेक्नीशियन की भर्ती सन 2018 फरवरी में आई थी और नोटिफिकेशन के अनुसार 1.5 गुना स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण के लिए, और उन 1.5 गुना में सर हम लोग भी शामिल थे और अभी तत्कालिक हमें स्टैंड बाई कैंडिडेट के तौर पे रखा गया है। और इस भर्ती प्रक्रिया से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेलवे बोर्ड द्वारा बोला गया था कि रेलवे में खाली पड़े पदों पर और जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी तत्काल भरपाई के लिए वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट्स का यूज किया जाएगा और उनको 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो सर अभी लगभग 1 साल इसका फाइनल रिजल्ट, हम सभी जब कॉल करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए तो हमें कोई जवाब नहीं अच्छा मिल पाता है, आश्वस्त नहीं हो पाते हैं हम लोग, और उसकी वजह से काफी ज्यादा आशंकित हैं। तो ये अंकित जी अपनी बात रख रहे थे। अब हमारे साथ दूसरे कैंडिडेट हैं दूसरी जगह से, अभिषेक सिंह जी। अभिषेक सिंह जी मौजूद हैं आप अपनी बात रखने के लिए? बिल्कुल। नमस्कार सिद्धार्थ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। आप बताइए कहाँ से हैं और किस RRB से जुड़े हुए हैं, क्या मामला है आपका? सिद्धार्थ जी मैं RRB इलाहाबाद के ALP स्टैंड बाई कैंडिडेट हूँ, और साथ ही मैं सभी जोन के जो RRB स्टैंड बाई कैंडिडेट हैं, ALP एंड टेक्नीशियन, सभी को मैं एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सर जो हमारा मैटर है कि हमें पहले तो 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसको प्रोसेस कंप्लीट होते होते 2019 की शुरुआत हो गई। अब 2020 की शुरुआत तक, 2020 खत्म भी हो चुका है, बट फिर भी हमारी जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई। मतलब एक भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट हुए 3 साल हो चुके हैं कंप्लीट, बट फिर भी अभी तक ज्वाइनिंग की भी जो सिलेक्टेड मेन स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। जबकि अभी लास्ट आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही चेयरमैन साहब ने बोला था कि हम ट्रेनिंग अगस्त 2021 तक सबकी कंप्लीट करा देंगे, बट जो सर जो शेड्यूल हमें प्राप्त हुआ है जो ट्रेनिंग शेड्यूल को लेके, वो अभी 2022 तक की जा रहा है। तो सबसे पहले तो जो आपके चैनल के माध्यम से मैं चेयरमैन सर और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो उन्होंने अपनी बात बोली है कि अगस्त 2021 तक कंप्लीट कराएंगे, तो सभी RRB को ये चीज पहले दी जाए कि 2021 तक की शेड्यूल वो अगस्त 2021 तक की ही कंप्लीट की शेड्यूल जारी करें, जिससे सबको ये हो सके कि हाँ ये बात सही और हो सकती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली देखा जाए ना बहुत ही मुझे मुश्किल लग रहा है। अब बात कर लेते हैं स्टैंड बाई कैंडिडेट की। सर तो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स में सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड है कि सबसे पहले सर हमारे पास बहुत सारे ऐसे एजेंट्स के भी फोन आ रहे हैं जो हमसे रुपए की डिमांड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम स्टैंड बाई आपकी क्लियर करा देंगे। तो उसके लिए दोस्तों सर हमारी जो है कि सबसे पहले जो मेरिट वाइज स्टैंड बाई लिस्ट है
वो आप प्रोवाइड की जाए, ताकि हमारे अंदर से ये भावना खत्म हो जाए कि कोई रुपए देख के भी हमसे ऊपर आ जाए। हमें रेलवे पे पूरा भरोसा है, बट आपको भी ये ज्ञात है कि इंडिया में एजेंट्स कितने एक्टिव काम करते हैं, ये सबको पता है, तो इस चीज को लेके है। और साथ ही साथ सर, जो स्टैंड बाई जब कैंडिडेट हम फोन कर रहे हैं अपने बोर्ड में, तो वहां से हमें ये सुनने को मिल रहा है कि आपकी स्टैंड बाई पे अभी आपको कोई हक नहीं है, जबकि रेलवे की जो सर्कुलर है 2009 में भी इन्होंने सर्कुलर दिया था, नोटिफिकेशन में भी दिया था कि जितने भी वैकेंट सीटें होंगी उससे पहले स्टैंड बाई को प्रेफरेंस होगा, इसके बाद ही कोई न्यू वैकेंसी दी जाएगी। तो सर जो हमारी रिक्वेस्ट है कि जिस बोर्ड में भी स्टैंड बाई की मतलब ज्वाइन मतलब मेन की जो ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, वहां पे सबसे पहले तो नॉन ज्वाइनिंग और दूसरा सर ट्रेनिंग लेफ्ट। मैं ट्रेनिंग लेफ्ट इसलिए बोल रहा हूँ, इस एएलपी वैकेंसी के साथ ही एक जेई की भी वैकेंसी आई थी, जिसमें से सर एएलपी के लगभग 20% कैंडिडेट जेई में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, जो कि ज्वाइनिंग से पहले या ट्रेनिंग पीरियड में ही छोड़ के जा चुके हैं। तो सर उस सीट पे भी जो स्टैंड बाई कैंडिडेट है उनका बनता है, क्योंकि जो बोर्ड है उसको एएलपी मिले नहीं, 20% एएलपी ऑलरेडी जेई में माइग्रेट हो चुके हैं, और जो कुछ लोग थे अदर जॉब में भी जा चुके हैं। तो जितनी नोटिफिकेशन की ज्वाइनिंग तब भी माना जाता है जब वो फाइनल डिवीजन तक पहुंच जाए, जब डिवीजन तक नहीं पहुंच रहे हैं तो ये जो ट्रेनिंग लेफ्ट है इस पे बोर्ड जो हमारा है पैनल देने से मना कर रहा है रिप्लेसमेंट। और साथ साथ सर हमारी एक और रिक्वेस्ट है कि जितनी भी अभी जो सीटें क्रिएट हुई हैं, मतलब 2020 तक या जो आगे होने वाली है 6 महीने के अंदर, और उन सभी पे इंडेंट के थ्रू या फिर अगर जो कुछ जोन में सीट नहीं है तो उसको डाइवर्जन, जो कि सर इससे पहले भी होते आए हैं, जो 2014 में हमारी वैकेंसी आई थी एलपीएन टेक्नीशियन की, उसमें बहुत सारे बोर्डों ने डाइवर्जन दिया था इंडेंट सीटों पे, तो उसके थ्रू अगर ये रेलवे बोर्ड चाहती है तो 6 महीने के अंदर जो ये 5 से 10 हजार बेरोजगार स्टैंड बाई कैंडिडेट अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, उन सभी को नौकरी दी जा सकती है, जो कि कोई बहुत ही बड़ी बात मुझे नहीं लगता की है। तो सर मेरी सिंपल से रिक्वेस्ट है कि एक सर्कुलर जारी कर दिया जाए रेलवे बोर्ड की तरफ से, स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को जैसे ही मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट्स ज्वाइन कर जाते हैं डाइवर्जन हो किसी के थ्रू भी उनको एकदम से नौकरी उनको मिल जाएगी, उसके लिए समायोजित कर लिया जाएगा। बस हमारी सिंपल सी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी नौकरी की जो एश्योरनेस है, जो कि स्टैंड बाई की मतलब ही होता है कि अगर जो सीट क्रिएट हो रही है उस पर उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि हम सभी जो 3 स्टेज की एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ करा चुके हैं। और इससे पहले सर रेलवे में जितनी बार भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जिसका हो चुका है, इससे पहले जितनी भी वैकेंसियां हुई हैं उनको सर 100% श्योर जॉब मिलता था, बट इस बार हमारे मामले में बहुत सारी चीजें सर बोर्ड की तरफ से, एक तो सही से मतलब कि जवाब नहीं दिया जाता, जब भी फोन करते हैं वो बहुत बहुत ही अलग तरीके से हमसे बात करते हैं, हम भी परेशान है सर इसलिए फोन करते हैं, वरना किसी को हमें डिस्टर्ब करने की ऐसी कुछ नहीं है। हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि जो अभिषेक जी जितनी भी हमारी सही बात आपने कही, क्योंकि अगर हम पारदर्शिता की बात करें तो निश्चित तौर पर पारदर्शिता होनी चाहिए कि कितने लोग भर्ती हो रहे हैं, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, और इन सब की जानकारी जो कैंडिडेट्स हैं या हम कह सकते हैं आम पब्लिक है उसको दी जानी चाहिए निश्चित तौर पर। बिल्कुल सर, जानकारी के लिए हमें बार बार है वो वाकई उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगले कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतू जी। संतू जी हैं आप? यस सर, आवाज मेरा आ रही है सर। और किस पोस्ट के लिए हैं आप और अपनी समस्या को सामने रखिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी कैंडिडेट्स को और आपका चैनल को बहुत बहुत हम लोग आभार हैं कि आपके तरफ से हम लोग को एक मौका मिला जा रहा है कि हम लोग अपने बात जो है सर के साथ रख सकते हैं। तो मेरा नाम संतु है और मैं आरआरबी मालदा बोर्ड से एएलपी का एक वेटिंग कैंडिडेट हूँ। सर मेरी चेयरमैन सर वीके यादव सर से बस इतनी ही मांग है कि हम जितने भी स्टैंड बाई कैंडिडेट्स है उसको इतना एश्योरेंस हम लोग को दे दिया जाए रेलवे के तरफ से, चेयरमैन सर के तरफ से, कि नेक्स्ट वैकेंसी आने से पहले हम सभी स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा और हमारे चयन होने के बाद बची रिक्तियों पर ही नेक्स्ट वैकेंसी निकाली जाए। और हम लोग पिछले 1 साल से वेटिंग में हैं, काफी हम लोग मतलब परेशान हैं, ठीक है, ठीक से अपना तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम अपना बात करें तो हम मेंटली या आर्थिक रूप से बहुत ही जूझ रहे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, और सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, जो मेन वाला है यानी मेन पैनल लिस्ट में जिन लोग का नाम है, जिन लोग को ज्वाइनिंग मिल रहा है, उन लोग जितना प्रोसेसिंग स्टेज 1 स्टेज 2 या साइको टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उन लोग का हम लोग में भी हम लोग का भी उतना ही हुआ है, यानी सारे प्रोसेस हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है
कि हम लोग 0.1, 0.2 काफी 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स से हम लोग पीछे रह गए हैं, यानी मेन लिस्ट में हम लोग नहीं आ सके। तो सर से मेरा इतना ही विनती है कि जो भी प्रोविजन है वेटिंग लिस्ट के लिए उसको सामने रखा जाए और हम लोग का वेटिंग जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, और बस इतना ही हम बोलना चाहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो संतु जी चिंता मत करिए, और इसके अलावा आप जो है जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसकी तैयारी करिए, और कभी भी तनाव नहीं लेना चाहिए। जो स्टूडेंट हैं उनको मैं सबको ये हिदायत देता हूँ, ये तो एक अलग सी कंडीशन है, लेकिन अगर आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी हमेशा कहीं ना कहीं एक अच्छा रास्ता रहता है, तो कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल सर, हम ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग तैयारी तो करते हैं, लेकिन जब सोचते हैं कि एक माने एएलपी का जो जॉब है जिसमें हम लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो सब कुछ प्रोसेसिंग कंप्लीट है, हम लोग का मेडिकल स्टैंडर्डिटी बिल्कुल सही है, जो भी एएलपी का क्राइटेरिया होती है वो सब हम लोग का क्लियर किया हुआ है, और सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि 1 से 1.5 मार्क्स के लिए हम लोग पीछे रह गए हैं। अगर वैकेंसीज है, क्योंकि हमें जहां तक आइडिया है कि वैकेंसीज हर जोन में है, तो वेटिंग वाला को क्यों ना लिया जाए। मेरा रिक्वेस्ट है सर से कि जितना जल्दी हो सके जो भी प्रोविजन से उनके पास रूल से उसके तहत हम लोग का ज्वाइनिंग दिया जाए, ताकि हम लोग को भी रेलवे में सेवा करने का मौका प्राप्त हो, और बस इतना ही सर बोलना चाहेंगे। तो संतु जी हमें उम्मीद है कि आपको निश्चित तौर पर मौका मिलेगा, और अगले जो कैंडिडेट हैं हमारे साथ निकिता जी हैं। निकिता जी आप मौजूद हैं? जी सर। तो निकिता जी कहाँ से हैं और जी बताइए। सर मैं आरआरबी सिलीगुड़ी बोर्ड से बोल रही हूँ, और सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि सर आपके चैनल के थ्रू हम गर्ल्स को भी अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सर जैसा कि सभी को पता है, हम 3 एग्जाम पास करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, एंड देन फिर सर हमारा मेडिकल टेस्ट लिया गया जिसमें हम मेडिकली क्वालिफाइड भी हैं। और सर फिर मैंने देखा कि सर हम स्टैंड बाई लिस्ट में डील कर रहे हैं सर, तो तब से सर काफी मानसिक और सामाजिक प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ रहा है सर हम जैसी गर्ल्स को। सर मेरे साथ और भी बहुत गर्ल्स है जो काफी परेशान है सर इस चीज को लेके, और सर जैसे कि पहले भी आरआरबी ने काफी एग्जाम्स लिए हैं, और सर उसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो भी स्टैंड बाई लिस्ट में थे उन सभी को मेडिकली फिट भी है वो, तो सर उनको 100% जॉब दिया गया है। तो सर बस मेरा चेयरमैन सर से बस इतना ही कहना है कि हम जितने भी स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं और जो भी एग्जाम पास करके आए हैं और जिनका भी जो भी मेडिकली फिट है, तो सर उनको नियुक्ति दी जाए, और सर जितनी भी हम प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ रहा है हमें सर समाज का, और सर जो भी हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं, और सर जो भी लोग हैं वो उनका बस यही बार बार कहना है कि कब तुम्हें ज्वाइनिंग मिल रही है, लाइक कब तुम जा रहे हो जॉब करने। सर तो काफी सामना बहुत सामनाएं करनी पड़ रही है सर, काफी प्रताड़नाओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो सर बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है सर से, जैसा भी प्रोविजन है जो भी दिक्कतें आ रही है सर, काफी कम से कम एटलीस्ट सर हमें एश्योरेंस दिया जाए, क्योंकि सर बहुत टाइम हो गया। तो 2018 में हम लोगों ने वैकेंसी फाइट की थी सर, एग्जाम क्वालिफाई किया था, एंड देन सर अब 2020 भी खत्म है ये समझो सर, तो बहुत टाइम हो गया, काफी टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं। तो सर बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं कि जल्द से जल्द हमारे इसमें पैनल निकाला जाए और सर हमें नियुक्ति दी जाए। तो निकिता जी की जो बात है वो निश्चित तौर पर ढेर सारे स्टूडेंट हैं जो भी यहाँ पर प्रतिभागी बात कर रहे हैं, उनकी बात में समझ में आता है कि एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, 2018 में एग्जाम हुआ उसके बाद जो है ये प्रोसेस ही चल रहा है, तो कब तक इंतजार ये कराया जाएगा। और खास तौर पर कोरोना की बात करते हैं तो तमाम चीजें चल रही हैं, हर जगह जगह पर सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, साथ ही साथ ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनें भी चल रही, मालगाड़ियां भी चल रही, ऐसे में ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इस प्रोसेस को तेजी क्यों नहीं दी जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं, आदेश जी आप मौजूद हैं? सर नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, आदेश जी बताइए। सर नमस्कार, मेरा नाम आदेश, मैं आरआरबी भोपाल से हूँ। सर सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया इंडिया में जहाँ हम स्टैंड बाई कैंडिडेट अपनी बात रख सकते हैं। सर मैं एएलपी का वो स्टैंड बाई कैंडिडेट हूँ जिसमें प्रीलिम्स मेंस साइको डीबी और मेडिकल हर स्टेज क्वालिफाई किया, उसके बाद सर हमें पता चला कि हम लोग वेटिंग लिस्ट में है। जैसा कि सर वेटिंग लिस्ट का सिस्टम ये होता है कि अगर आपके जोन में किसी भी प्रकार से कोई न्यू वैकेंसी क्रिएट होती है या कोई लड़का ट्रेनिंग छोड़ के जाता है या कोई एब्सेंट रहता है,
तो उन सभी वैकेंसी पर सर पहला हाँ स्टैंड बाई बिटिंग कैंडिडेट होता है, लेकिन देखा क्या गया सर अभी वेस्टर्न रेलवे कुछ दिन पहले जिसमें दो बोर्ड आते हैं आरआरबी भोपाल और आरआरबी मुंबई, वहां पर 1239 न्यू एलपी का डिमांड किया गया था जिस पर पहला हक वहां के स्टैंड बाय कैंडिडेट आरआरबी भोपाल और मुंबई के एलपी कैंडिडेट का था। लेकिन हुआ क्या सर कि आरआरबी गोरखपुर के बच्चों को डब्ल्यूआर में डाइवर्ट किया गया, जबकि गोरखपुर का डब्ल्यूआर पर कोई हक नहीं है, जबकि गोरखपुर वाले बच्चों के मार्क्स हम लोगों से काफी कम है। मुझे सर उनके डाइवर्सन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके डाइवर्सन के बाद अभी वहां पे 760 न्यू एलपी की वेकेंट सीट है, इन पर मेरी चेयरमैन सर से यही रिक्वेस्ट है कि उन वेकेंट सीट पर हम स्टैंड बाई कैंडिडेट आरआरबी भोपाल मुंबई के बच्चों को मौका दिया जाए। ये सर बात केवल डब्ल्यूआर की, इंडिया में जितने भी जोन है वहाँ हर प्रकार से वेकेंसी क्रिएट हुआ है, तो उन वेकेंसी पहला वहाँ के स्टैंड बाई कैंडिडेट को मिलना चाहिए, क्योंकि सर स्टैंड बाई कैंडिडेट भी आपकी फैमिली का बच्चा है रेलवे का। आपने जो डिमांड की थी, जो स्टेज आपने डिमांड की थी, हमने हर स्टेज क्वालिफाई किया और हो क्या रहा है सर, हमें कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि सर अभी तक रिकॉर्ड ये हुआ था कि एएलपी टेक का जो स्टैंड बाई लिस्ट आता था अभी तक रिकॉर्ड में सबका वेटिंग क्लियर हुआ है, इसलिए अभी भी हम इस उम्मीद में जी रहे हैं कि हमारा क्लियर होगा। अब हम इतना स्ट्रेस इसलिए फील कर रहे हैं कि क्योंकि सर वेटिंग के लिए बोर्ड की तरफ से आरआरबी की तरफ से ना कोई एश्योरेंस दिया जा रहा है, ना ही हमें कोई सांत्वना दी जा रही है कि आपकी वेटिंग क्लियर होगी। ऑलरेडी सर 18, 19, 20 तीन साल गुजर चुके हैं, आप सर तीन साल में कोई अंदाजा नहीं ला सकता कि स्टैंड बाई लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया है। हम लोगों ने समाज के स्ट्रेस को भी झेला है, लोग हमसे पूछते थे कि भैया मेडिकल जिसका हो जाता है उसका तो ज्वाइनिंग रेलवे में 100% होता है, तो आपका ज्वाइनिंग क्यों नहीं आया। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की कभी फैमिली की पूछती है कि बेटा आपकी ज्वाइनिंग कब आ रही है, मतलब वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। तो सर मेरी रिक्वेस्ट चेयरमैन सर से है कि एएलपी टेक्नीशियन किसी भी जोन का बच्चा हो उसकी स्टैंड बाई लिस्ट क्लियर करके उन्हें रेलवे में सेवा करने का अवसर दिया जाए, जिससे कि इस कोरोना काल में अगर हमने रेलवे में सेवा करने का अवसर मिलता है तो हम रेलवे के आजीवन आबाई रहेंगे। धन्यवाद सर। तो यहाँ पर आदेश जी ने अपनी बात रखी, अब नीलाब जी, नीलाब जी हैं आप मौजूद हैं? हाँ, तो नीलाब जी हेलो, बताइए आप कहाँ से हैं और क्या आपकी दिक्कत है, क्या परेशानी है? सर मेरा नाम नीलाब सर है, मैं आरआरबी अजमेर कैंडिडेट हूँ। हमारे यहाँ जितनी भी वैकेंसी नोटिस की गई तो 6 वैकेंसी देखी गई, उसके पश्चात जितने भी एग्जाम प्री मेन उसका साइक को जैसा कठिन मानसिक परीक्षण, उसके पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, उसके पश्चात ए जैसा कठिन मेडिकल था, तो हम सब लोगों ने क्वालिफाई किया। लेकिन सर उसके बाद हम लोगों को पता चला कि हम 50% जो एक्सीडेंट ले गए वो स्टैंड बाई में है अभी। तो सर हम यही चाहते हैं कि हम जितने भी स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं, हमें पता चला है कि सर हमारे बोर्ड में काफी स्टूडेंट्स ने डिवीजन में जाके जॉइन किया। तो नीलाब जी ने अपनी बात कही कि ढेर सारे स्टैंड बाई कैंडिडेट हैं और उनका सिग्नल थोड़ा मुझे लग रहा है गड़बड़ चल रहा है। चलिए फिर जुड़ेंगे तो उनसे बात करेंगे। अभिषेक पांडे जी आप मौजूद हैं? जी सर नमस्कार। हाँ तो अभिषेक जी कहाँ से हैं आप और क्या समस्या है? सर मैं आरआरबी भुवनेश्वर का एएलपी वेटिंग कैंडिडेट हूँ सर, और सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो सर अपने अपने चैनल पे हमें बोलने का मौका दिया और अपनी बातों को सर रेलवे के चेयरमैन और रेलवे मंत्री जो हमारे पीयूष गोयल साहब जी हैं उन तक हमारी बात को पहुंचाने के लिए एक जरिया दिया, उसके लिए सर आपको तहे दिल से सारे वेटिंग कैंडिडेट्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा सवाल और मेरा एक मांग जो रेलवे के चेयरमैन है उनसे यही है कि हमारी जो एएलपी की वैकेंसी 2018 में आई थी सर, उसमें जो भी कैंडिडेट्स मेन लिस्ट के ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ज्वाइन नहीं कर रहे तो सीटें वैकेंट रह जाए, या फिर सर कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब में आने के बाद दूसरी जॉब हो जाती है तो रिजिग्नेशन दे देते हैं, तो कुल मिलाकर सर कैसे भी किसी भी तरीके से सीटें जो खाली हो रही तो उनपे सर हमें वेटिंग कैंडिडेट्स को लिया जाए। साथ ही साथ सर आरटीआई का रिप्लाई हमने लगाया था आरआरबी भुवनेश्वर के दो बोर्ड दो डिवीजन है, एक आपका आरआरबी भुवनेश्वर का खुर्दा रोड है डिवीजन और एक संबलपुर डिवीजन, तो सर दोनों डिवीजन में हमें आरटीआई से ये पता चला है कि दोनों डिवीजन में कुल 700 एएलपी की सीटें एक्स्ट्रा वैकेंट
जो कि 2018 की नोटिफाइड वैकेंसी के अलावा है। तो सर हमारे डिवीजन में वैकेंसी बहुत सारी हैं, हम बस रेलवे के चेयरमैन से यही विनती करेंगे कि ये जो भी वैकेंट सीटें हैं या फिर 2018 की जो नॉन टर्न अप सीटें हैं उन्हें सर जल्दी से जल्दी रिप्लेसमेंट पैनल से भरा जाए, या फिर सर स्पेशल इंडेंट या इंडेंट पैनल या डाइवर्जेंट पैनल, जो भी तरीका है सर वेटिंग को क्लियर करने का, उसके द्वारा वेटिंग कैंडिडेट्स को सर लिया जाए। अभी सर हम लोग मेडिकल करवाने के बाद कुल 1.5 साल हो चुके हैं, बट अभी तक सर हमें कुछ नहीं पता है कि हमारी रिप्लेसमेंट पैनल दी भी जाएगी या नहीं, क्योंकि सर कुछ बोर्ड ऐसे हैं जहां रिप्लेसमेंट पैनल 2-4 कैंडिडेट्स का दिया गया है, लेकिन सर हमारे बोर्ड में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। साथ ही सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो ट्रेनिंग है मेन लिस्ट वालों की उन्हें थोड़ा सर जल्दी कराया जाए। हमारे बोर्ड में सर भुवनेश्वर बोर्ड में अभी सर 60% कैंडिडेट ऐसे हैं मेन लिस्ट वाले जिनकी ट्रेनिंग कब होगी सर उन्हें भी नहीं पता है, और सर मिलने जाते हैं तो कुछ प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है। हम लोग कैंडिडेट्स वेटिंग वाले सर भुवनेश्वर बोर्ड के सीईओ सर से भी मिलने गए थे, सीपीओ सर से भी मिलने के बाद हमें कुछ ऐसा सिक्योरिटी नहीं मिला कि हमें फ्यूचर में जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी रिप्लेसमेंट पैनल कब आएगी। सर मेरी इतना ही विनती है कि हमारी रिप्लेसमेंट पैनल जल्दी से जल्दी दी जाए, वेटिंग कैंडिडेट्स को लिया जाए, और सर जो भी वैकेंट सीटें हैं रिप्लेसमेंट से भर ली जाए, उसके बाद ही न्यू रिक्वायरमेंट की प्रोसेस की जाए। बस इतना ही रिक्वेस्ट है सर मेरी। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए। अब संजू जी जो है हमारे साथ जुड़ेंगे। संजू जी हैं आप मौजूद हैं? हाँ, मैं हूँ, नमस्कार। मैं आरआरबी कोलकाता से स्टैंड बाई कैंडिडेट हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आरआरबी ऑल स्टैंड बाई कैंडिडेट्स ऑफ आरआरबी कोलकाता मैं अपना बात रखना चाहता हूँ। तो रेलवे एएलपीओ टेक्नीशियन सेंट्रलाइज नोटिस नंबर 01/2018 के लिए जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एग्जाम हुआ था उसमें सभी आरआरबी बोर्ड के द्वारा अप्रोक्स 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को सिलेक्शन किया गया था, और सभी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की पूरी प्रक्रिया की गई, जिसमें कुछ ही कैंडिडेट का रिप्लेसमेंट पैनल के माध्यम से ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि बाकी बच्चे एक्स्ट्रा कैंडिडेट का क्या होगा? रिप्लेसमेंट पैनल के द्वारा तो बहुत कम, मतलब बहुत ही कम कैंडिडेट का ज्वाइनिंग होगा, तो बाकी बचे कैंडिडेट का क्या होगा? क्योंकि रेलवे पहली बार एम पैनल होने के पहले मेडिकल ले चुकी है, और सभी कैंडिडेट इस कठिन बेरोजगारी के समय 2-3 साल से सिलेक्शन की लंबा प्रोसेस के दौरान आर्थिक और मानसिक रूप से समस्या झेल रहे हैं। क्या उन सभी एक्स्ट्रा कैंडिडेट को रेलवे में सेवा करने का अवसर दिया जाएगा या नहीं? क्या रेलवे ने एक्स्ट्रा कैंडिडेट को एमपैनल करने के लिए कोई प्रावधान किया है? अगर किया है तो क्या किया है? यही मेरा सवाल है। तो मेरे बात रखने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ संजू जी थे जो अपनी बात रख रहे थे। अब हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी मौजूद हैं आप? हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए दीपक जी। सर मैं सर दीपक कुमार सर आरआरबी सिकंदराबाद से एलपी टेक्नीशियन स्टैंडबाय कैंडिडेट हूँ। सर मेरा आरआरबी चेयरमैन से यही रिक्वेस्ट है कि सर जो अभी टेक्नीशियन और एलपी का टेक्नीशियन 200 प्लस सीट और एलपी में 50 का भी पैनल आना अभी बाकी है। सर मेरा सर अभी 12 जो अभी पिछला पैनल 12 दिसंबर हुआ था, 12 दिसंबर 2019 को, उसके बाद सर कोई अभी तक अपडेट आया नहीं है आरआरबी की तरफ से। चेयरमैन से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी फाइनल पैनल दिया जाए, जिससे मतलब जो रिमेनिंग है किया जाए। जो सभी के उनसे और माननीय दीपक जी आपका सिग्नल बहुत क्लियर नहीं है और साफ आवाज नहीं आ रही है। आप हमको लगता है कि वही कह रहे हैं जो बाकी कैंडिडेट कह रहे हैं। तो अब हमारे साथ भवानी जी हैं, मौजूद हैं? लगता है भवानी जी नहीं है। नहीं सर, भवानी नहीं है। प्रेम कुमार जी हैं? हेलो। हाँ सर है, प्रेम कुमार बात कर रहा हूँ। और अपनी बात रखिए और ये पूरी बात को समराइज करिए क्या है। हाँ सर जी। सर थैंक यू सर, आपने हमें एक मौका दिया आपके चैनल के माध्यम से।
मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं आरआरबी बैंगलोर से हूँ। तो आपको जैसा पता है 3 साल हो चुका है नोटिफिकेशन निकलते हुए और हम लोगों ने सारी स्टेज 3 स्टेज एग्जाम खत्म करके बाकी मेडिकल क्लियर करके अभी जॉब नहीं मिल रहा है। तो लास्ट पैनल आते हुए मई में आया था लास्ट पैनल आरआरबी बैंगलोर में। तो उसके बाद नॉन टर्नअप का और ट्रेनिंग में जो एब्सेंट कैंडिडेट्स है तो उनका कुछ रिप्लेसमेंट पैनल ऐसा कुछ नहीं है सर। तो मैं ये बोलता हूँ कि साउथ वेस्टर्न रेलवे में आपको जैसे पता है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको इंटर रेलवे ट्रांसफर ज्यादा रहता है ऊपरी स्टेट्स की तरफ से। तो जो नॉन टर्नअप सॉरी जो ट्रांसफर में गया हुआ है उससे भी बहुत सारे वैकेंसी क्रिएट होता है आरआरबी बैंगलोर और साउथ वेस्टर्न रेलवे में। तो मैं ये वीके यादव सर से ये बोलता हूँ कि जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है वन वे ट्रांसफर से तो उसे भी इंक्लूड किया जाए इस वैकेंसी में और 2021 दिसंबर तक जो भी वैकेंसी क्रिएट होता है तो उसको भी हमारा सीएन 2018 में मिलाया जाए और हमें जॉब दिया जाए सर। प्रेम जी थैंक यू आपने मौका दिया हमको बात करने के लिए। तो हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम लोग जुड़े हुए। हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे हैं अंकित जी? जी सर दरअसल नेटवर्क प्रॉब्लम था पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था सर। मैं दरअसल ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था बीके यादव सर का तो आपने सर एक क्वेश्चन पूछा था ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एनसीआर एनआर में अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ट्रेडिंग अभी हुआ ही नहीं है ना ही उनका शेड्यूल जारी किया गया है। सर एनआर के 920 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर तक प्रोवाइड नहीं किया गया है और उनके ट्रेनिंग की तो बहुत दूर की बात है। तो सर मेरा यही रिक्वेस्ट है कि एनसीआर एनआर का कंप्लीट ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया जाए और जिस तरह से बीके यादव सर ने बोला था कि अगस्त 2021 तक कंप्लीट किया जाएगा ट्रेनिंग तो अपने वादे के अनुसार एनसीआर एनआर की कंप्लीट ट्रेनिंग अगस्त 2021 से पहले कंप्लीट करें और उसके बाद सर हम सभी वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट्स का पैनल जारी किया जाए और हमें भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए। साथ में सर एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अभी तक जो रेलवे की हिस्ट्री रही है कि अगर किसी स्टूडेंट्स का मेडिकल करवा लिया जाता है और वो मेडिकली फिट पाया जाता है तो उसको रेलवे 100% जॉब प्रोवाइड करता है। तो सर मैं यही बोलूंगा कि अभी जितने भी स्टूडेंट जो वेटिंग लिस्ट में है सभी मेडिकली फिट हैं और रेलवे अपना पूरा एक्सटेंशन जो है ये 2020 कोविड की वजह से जो खराब हुआ है तो 2021 तक लेके जा रहा है सारा ट्रेनिंग वगैरह सारी प्रक्रिया। तो सर मैं यही चाहूंगा कि सारी वैकेंसी इंक्लूड करके और हमें मौका दिया जाए रेलवे में सेवा का मौका दिया जाए। हम भी बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। और सर एक लास्ट पॉइंट कि हमने सर अलग अलग डिवीजन में आरटीआई लगाया था तो वहां से सर इंफॉर्मेशन मिला है सर वेस्टर्न रेलवे में 760 सीटें एनएफआर में 260 ऐसे ही सर एनसीआर के आपके आगरा डिवीजन में 140 सीटें एनआर के मुरादाबाद डिवीजन में सर 114 सीटें सर साउदर्न रेलवे में वाटलेयर डिवीजन में 432 सीटें ऐसे ही सर ईसीओआर में 599 सीटें अभी भी एट प्रेजेंट वैकेंट हैं। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं काफी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं तो हमें इन सभी खाली पदों पे स्पेशल इंडेंट जारी करके रेलवे में सेवा का मौका दिया जाए। सर यही बोलना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंकित जी और तमाम और लोग जो हमारे साथ हैं अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं जिसमें प्रेम कुमार जी हैं अभिषेक जी और आरआरबी भोपाल से भी जुड़े हुए हैं आरआरबी कोलकाता से तो इस सारे लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। उन्होंने अपनी बात रखी और इस समय अगर हम बात करें तो देश में कोरोना संकट के साथ साथ बेरोजगारी का भी संकट है तमाम युवा हैं क्योंकि अगर देश की बात करते हैं तो देश दुनिया में जो है इस समय सबसे हम कह सकते हैं युवा देश है क्योंकि यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे देश में सबसे ज्यादा है और उनमें एनर्जी है काम करने की क्षमता है कुवत है ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है तमाम चीजें मेडिकल भी पास कर लिया है लेकिन परेशानी यह है कि पारदर्शिता नहीं है क्योंकि जो कहा जाता है उसको किया जाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमको लगता है कि रेलवे को भी ये समझना पड़ेगा कि जो कि कैंडिडेट हैं ये कहीं ना कहीं फिजिकली भी फिट हैं एग्जाम भी पास किया है अगर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाए जो भी वैकेंसीज जिसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है वो सारी चीजें जारी की जाए और समय पर जारी की जाए क्योंकि समय पर जब चीजें होती हैं तो उसका फायदा मिलता है क्योंकि ये कैंडिडेट दूसरी जगह पर भी कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहे होते हैं उसमें उनका मन नहीं लगता है फिर और हर तरीके की परेशानी और दिक्कतों का ये सामना करते हैं। तो इतना ज्यादा संघर्ष करके अगर युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं
तरह तरह की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अगर मानसिक तौर पर उन पर प्रेशर पड़ता है तो भी ये अच्छा नहीं है देश के लिए। तो इनके लिए पारदर्शिता जरूरी है और जो होना है उसका एक एक शेड्यूल जारी किया जाए, तरीके से जारी किया जाए, समयबद्ध तरीके से जारी किया जाए, क्योंकि कोरोना कहीं ना कहीं अब पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में जैसे ही इसका टीका आ जाएगा उसके बाद ये तमाम समस्या एक तरीके से हम कह सकते हैं ओझल हो सकती हैं। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।